हमने एक सिंपल फाइल बनाई है script.js, हम अपना कोड राइट कर रहे हैं। तो लेट्स से स्टैंडर्ड इवॉक करते हुए हमने इस फाइल का नाम रख दिया server.js। देखिए हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। आपने और बहुत सारे मॉड्यूल्स यूज किए, कॉल्ड fs मॉड्यूल यूज किया था आपने, आपने os मॉड्यूल यूज किया था, वो कोर मॉड्यूल्स का पार्ट था। ऐसी एक और कोर मॉड्यूल का पार्ट है, हम उसे अब यूज करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड HTTP मॉड्यूल। सो हम एक नया मॉड्यूल प्री डिफाइंड और अब उसे कोर मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, HTTP है। तो बेसिकली मॉड्यूल को यूज करने का तरीका वो स्टैंडर्ड ही था कि आपने const HTTP एक रेफरेंस क्रिएट किया, द रेफरेंस इज फ्रॉम अ मॉड्यूल कॉल्ड व्हाट, HTTP। हम नॉर्मली मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे थे, हमने यहाँ पर एक नया मॉड्यूल इंपोर्ट किया कॉल्ड HTTP मॉड्यूल। HTTP मॉड्यूल का रेफरेंस हमने HTTP नाम से रखा है जो कि स्टैंडर्ड होता है। HTTP मॉड्यूल से क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसका मतलब क्या होगा, डॉट लगा के बहुत सारे क्या होंगे इसमें, मेथड्स और प्रॉपर्टीज होंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मेथड इसके पास कौन सा है, क्रिएट सर्वर है। तो मैं चेक कर रहा हूं कि मेरे लिए क्या बना दो, सर्वर क्रिएट कर दो। तो मैं HTTP मॉड्यूल को कह रहा हूं कि मेरे लिए एक वेब सर्वर क्रिएट करो, मींस एक सर्वर। सर्वर क्या था, अ सॉफ्टवेयर व्हिच लिसन एट अ पर्टिकुलर व्हाट पोर्ट है। तो हमने से कहा कि हमारे लिए एक सर्वर क्रिएट कर दो और मुझे उस सर्वर का रेफरेंस दे दो। मैंने अपने पास किसी भी नाम में ऐसे सर्वर में क्या है, कोड कर दिया। तो HTTP मॉड्यूल के थ्रू और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एक मेथड कॉल किया कॉल्ड क्रिएट सर्वर। ये बैकग्राउंड पे एक वेब सर्वर क्रिएट करेगा और आपको सर्वर का क्या दे देगा, रेफरेंस। क्योंकि सर्वर जो बैकग्राउंड पे क्रिएट हुआ है अभी वो आपकी रिक्वेस्ट को लिसन नहीं कर रहा, सर्वर क्रिएट हो गया है एट बैकग्राउंड। अब हम इस सर्वर को कहेंगे, क्योंकि सर्वर का मतलब ही क्या था कि किसी पर्टिकुलर URL और किसी पर्टिकुलर पोर्ट की रिक्वेस्ट को क्या करना, लिसन करना। सर्वर इस केस में हमने अपने लोकल सिस्टम पर बनाया, तो व्हाट इज माय IP एड्रेस इज द लोकल होस्ट, बट मैंने पोर्ट अभी मेंशन नहीं किया। तो मैं सर्वर को कहूंगा कि आपको लिसन करना है एक पोर्ट, कुछ भी नंबर दे सकते हो, 3000 दे दिया। तो हमने सर्वर को कहा पोर्ट कॉल 3000 को क्या करो, लिसन करो। कोड को जरा ध्यान से देखना जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मॉड्यूल का रेफरेंस ऑब्टेन किया और उसके बेसिस पर एक सर्वर क्या है, क्रिएट किया। रेफरेंस हमने ऑब्टेन कर लिया बट कुछ आउटपुट नथिंग, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और स्टॉप हो गया। मतलब सर्वर क्रिएट तो हो गया, बन गया, लेकिन उसको बताया नहीं हमने कि आपने क्या कौन से पोर्ट को क्या लिसन करना। तो मतलब एक तरह से हमने फैकल्टी हायर कर ली, वो स्टाफ रूम में है और उसको बताया नहीं उसने कौन सी क्लास में जाना है, वो बैठा है। और अब हम उसे कह रहे हैं लिसन से कि आपको क्या करना है, 3000 पोर्ट की रिक्वेस्ट को क्या करना है, लिसन करना। अब मैंने उसे कहा कि आप क्लास ए में जाओगे। अब अगला क्वेश्चन उसका ये होगा कितनी देर के लिए जाऊंगा। मैंने कहा ना कि क्लास 950 की क्लास में चले जाओ, तो मतलब कितनी देर तक जाना है, हमने उसे नहीं बताया। हमने कहा लिसन करो पोर्ट नंबर 3000 का अंटिल फर्दर नोटिस। जब तक हम नहीं कहते तब तक आप इस पोर्ट को क्या करते रहो, लिसन करते रहो। ऐसे केस में क्या होगा, प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला गया। सो अब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो प्रोग्राम रुका नहीं, रुका क्योंकि लिसन ने क्या कर दिया, इनफाइनाइट लूप में पोर्ट नंबर 3000 को लिसन करना शुरू कर दिया। 3000 हमने अपनी तरफ से क्या बनाया, एक पोर्ट नंबर बनाया जिसमें ये कह रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, लिसन करेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ब्राउजर हमें रिक्वेस्ट इसे पोर्ट पे सेंड करेगा 3000। नॉर्मली जब आप एक वेबसाइट ओपन करते हो rediff.com, ये भी एक रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे जा रही है और कौन से पोर्ट पे जा रही है, 3000 लिखा है। ये हमारा डेवलपमेंट का सर्वर है, मतलब हम बना रहे हैं।
और जब मैं इस प्रोजेक्ट को रनिंग पे सर्वर पे डालूंगा ना, तो मुझे कोड चेंज करना होगा, चेंज टू व्हाट 8080 करना होगा, क्योंकि ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड आती है विदाउट एनी पोर्ट नंबर, rediff.com लिखा, हमने पोर्ट मेंशन नहीं किया, तो रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे जाती है, 80 पोर्ट पे जाती है। लेकिन अभी हमने एक सर्वर बना दिया है जो रिक्वेस्ट लिसन करेगा एट पोर्ट नंबर व्हाट 3000। हमने उसे बताया नहीं है कि लिसन तो करो, लेकिन सुना के तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो फिलहाल अभी कुछ होगा नहीं, राइट? अब करवाते हैं। इसका मतलब हो गया कि प्रोग्राम इनफाइनाइट मोड में है। अब इंपॉर्टेंट देखो, सर्वर जब किसी भी, जैसे सर्वर को हमने लिसन मोड में डाल दिया, इसका मतलब वो 3000 पोर्ट की रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। जैसे कोई रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 3000 पर आएगी, वो क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, एमिट करेगा एक मैसेज कॉल्ड कनेक्शन। फिर वह सर्वर पे, मतलब पोर्ट नंबर 3000 पे आएगी, मैं क्या करूंगा, सर्वर क्या करेगा, एक मैसेज एमिट कर रहा है कॉल्ड कनेक्शन। अब आपको काम करना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, सर्वर पे क्या लगाओगे, ऑन ऑन, कौन सा मैसेज आ रहा है, आपने कहा कनेक्शन मैसेज आ रहा है, ऑन कनेक्शन पे आपने कॉल बैक फंक्शन दे दिया। लेट्स से आपने सिंपल मैसेज दिया, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ये बता रहा है कि हाँ मेरी रिक्वेस्ट है, आ चुकी। अब ये सर्वर डॉट ऑन कनेक्शन, ये कितनी बारी कॉल होगा, कितनी बारी रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि हर रिक्वेस्ट पे, हर कनेक्शन रिक्वेस्ट पे सर्वर क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है मैसेज कॉल्ड कनेक्शन, और हमने उसे प्रॉपरली क्या किया, हैंडल किया। सर्वर को हमने कहा पोर्ट नंबर 3000 की रिक्वेस्ट को लिसन करो। अब लिसन करके करना क्या है, वो भी तो हमने ही बता रहा ना उसको। तो सर्वर कह रहा है कि जैसी मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी ना, तो मैं मैसेज क्या करूंगा, एमिट करूंगा, और आप उस मैसेज को क्या करना, ऑन से हैंडल कर दो, ऑन कनेक्शन। मतलब वो कह रहा है कि मैं मैसेज कौन सा एमिट करूंगा, ऑन वाला, ऑन, और कौन सा मैसेज आएगा, आप ऑन कनेक्शन को क्या करो, रिसीव करो। अब ऑन कनेक्शन कितनी बारी कॉल होगा, फॉर एवरी यूजर रिक्वेस्ट, यानी ये मैसेज कितनी बारी आएगा, फॉर एवरी यूजर व्हाट रिक्वेस्ट एट पोर्ट नंबर व्हाट 3000। अब चेक करते हैं जरा, मैं कोड को चला रहा हूं, इनफाइनाइट लूप में वो चला गया। अब मुझे अपने इस सर्वर को पोर्ट नंबर 3000 पे क्या है, रिक्वेस्ट भेजनी है। जो सर्वर अभी चला वो कहां चला, लोकल होस्ट पे चला, और लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस 127.0.0.1 है। तो आप ब्राउजर में जाओ, या तो सीधा क्या करें, लोकल होस्ट कॉलन, रिक्वेस्ट कौन से पोर्ट पे डालनी है, 3000 पे डालनी है। लोकल होस्ट से ब्राउजर पे रिक्वेस्ट कौन से पोर्ट पे डाल रहा हूँ, 3000 पे डाल रहा हूँ। जैसे ही एंटर करूंगा, मेरा वेब सर्वर मुझे बता रहा है रिक्वेस्ट हैज बीन व्हाट रिसीव्ड, इसका मतलब हमने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजी, और हमारे नोडजेएस के सर्वर ने ब्राउजर की रिक्वेस्ट को क्या रिसीव किया। जितनी बारी मर्जी और क्लाइंट को वापस डेटा भेजना भी है, वापस कहां भेजना है, कंसोल पे नहीं, कहां भेजना है, ब्राउजर पे भेजना है। ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है तो रिस्पॉन्स भी कहां जाएगा, ब्राउजर पे जाएगा। तो सर्वर डॉट ऑन, जिसमें हमने कॉल बैक फंक्शन बना रखा है, ये कॉल बैक फंक्शन एक पैरामीटर रिसीव करता है, व्हिच इज कॉल्ड एज सॉकेट है। यानी सर्वर कह रहा है जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, मैं आपको उस क्लाइंट के साथ एक सॉकेट कनेक्शन बना के दे दूंगा। सॉकेट कनेक्शन बेसिकली क्या होता है, कनेक्शन टू द पोर्ट है, कनेक्शन टू द क्लाइंट होगा। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट आई है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है। अब ऑन मतलब ये तो पता लग गया ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है, तीन टैब्स ओपन हो जाए और तीनों रिक्वेस्ट करे, तो तीनों के लिए तो क्या कॉल होगा, ऑन ही कॉल होगा ना। लेकिन तीनों के लिए अलग अलग क्या बनाए जाएंगे, सॉकेट कनेक्शन के थ्रू हम उसे डेटा
सेंड भी करेंगे और वहां से डेटा क्या है रिसीव भी करेंगे। आपने फॉर्म टैग में मुझे डेटा भेजा है तो मैं किसके थ्रू रिसीव करूंगा, सॉकेट पे। अब यहां मेरी क्या लगेगी, सॉकेट प्रोग्रामिंग लगेगी, कॉम्प्लेक्स है ठीक है ना, इसीलिए अभी नहीं लगा रहे और लगानी भी नहीं है क्योंकि Node.js ने कहा कि ऑन कनेक्शन से चलो आपको पता लग गया रिसीव अ कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, मैंने आपको उसके अगेंस्ट क्या दे दिया, सॉकेट दे रखा है, सॉकेट से इनपुट स्ट्रीम लो और सॉकेट से आउटपुट स्ट्रीम लेके डेटा दे दो। बट मैंने कहा इसकी जगह मैंने एक और बेटर अप्रोच यूज कर रखी है, क्रिएट सर्वर मेथड। तो क्रिएट सर्वर मेथड पैरामीटर में क्या मांग रहे आपसे, एक कॉल बैक फंक्शन मांग रहा है। तो वी हैव अ मेथड कॉल्ड क्रिएट सर्वर जो अभी तक हमने एम्प्टी छोड़ा था, अब वो पैरामीटर में आपसे क्या मांग रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन मांग रहा है। मतलब हम डिफाइन करेंगे एक कॉल बैक फंक्शन जिसके दो आर्ग्यूमेंट है, रिक्वेस्ट एंड व्हाट रिस्पॉन्स, राइट। इस कॉल बैक फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट है, कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इस समय सर्वर ये कह रहा है कि जैसे ही मैंने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की ना, रिक्वेस्ट आई, उसी समय मैंने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लेकर दो ऑब्जेक्ट्स आपको बना के दे दिए। दो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स है क्या, नाम req res, नाम तो जो मर्जी रखो, नॉर्मली इट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड व्हाट रिस्पॉन्स। तो मैंने ऑब्जेक्ट्स बना के दे दिए और दो क्या ये इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर आपको क्लाइंट जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उससे कुछ रिसीव करना है तो किसमें करोगे, रिक्वेस्ट में रख दिएगा, और अगर आपको कुछ क्लाइंट को वापस भेजना है तो किसके थ्रू भेजोगे, रिस्पॉन्स के थ्रू सबमिट करोगे। मतलब क्लाइंट ने आपको अपना नेम एज एड्रेस सब भेजा था, वो सब कहां पड़ा होगा, रिक्वेस्ट में रख दिया सर्वर। कैसे करेंगे एक्सेस वो देखेंगे, बट अभी अभी के लिए सिर्फ इतना कि क्लाइंट से इनपुट की रिक्वेस्ट आई, कुछ भी आया, आया या नहीं आया, वो सारा डेटा किसमें पड़ा है, req रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में पड़ा। अभी हम जैसे लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो क्लाइंट को कुछ भेज रहे हैं, सर्वर को नहीं भेज रहे, ब्लैंक पेज खोला, तो एग्जैक्टली तब भी क्या जाएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट जाती है, और क्लाइंट कौन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में क्लाइंट कौन है, ब्राउजर है। तो इंफॉर्मेशन किसकी आएगी, तो रिक्वेस्ट के अंदर अभी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि किस यूआरएल को हिट किया गया, किस ब्राउजर ने हिट किया, ब्राउजर ने कितने बाइट्स का डेटा भेजा, किस टाइप का डेटा भेजा, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पड़ी होगी, रिक्वेस्ट में। और ऐसी रिस्पांस ब्लैंक प्रिपेयर करती है, लेकिन बाकी सब रिस्पांस में किसने डाला, सर्वर ने डाल दिया। सर्वर ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन कि मैं कौन हूं, मैं कौन से सर्वर पे चल रहा हूं, मेरा वर्जन क्या है, ये सारी डिटेल ऑलरेडी किसमें डाल दिए, रिस्पॉन्स में डाल दी। मुझे तो रिस्पॉन्स में क्या भेजना है, अपना आउटपुट भेजना, अपना आउटपुट भेजना। अब ध्यान दे एक बार दोबारा, क्रिएट सर्वर मेथड ने एक सर्वर क्रिएट किया और उसने कहा फॉर एवरी रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ये फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा। इसके दो आर्ग्यूमेंट, रिक्वेस्ट एंड व्हाट रिस्पांस, क्लाइंट ने जो भेजा है वो रिक्वेस्ट में पड़ा है और आपने जो वापस क्लाइंट को भेजना है वो किसके थ्रू सेंड करोगे, रिस्पॉन्स के थ्रू सेंड करोगे। जैसे मैंने अब पहला काम कर दिया, रिस्पॉन्स का एक मेथड है कॉल्ड टाइप, हमने पहला मैसेज भेज दिया वेलकम टू Node.js सर्वर। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमने सर्वर क्रिएट किया है और हमने कहा है जैसे रिक्वेस्ट सर्वर करता है वैसे ही रिस्पांस को वेलकम टू Node.js सर्वर भेज दो। अभी होना क्या चाहिए, अभी तक हमने सिर्फ देखा था सर्वर पर, अभी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, इससे सर्वर बैकग्राउंड पे चला गया, पोर्ट नंबर 3000 की रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है, जैसी रिक्वेस्ट आएगी ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ये फंक्शन कितनी बारी कॉल होगा, n नंबर ऑफ टाइम्स ना, जितने यूजर्स रिक्वेस्ट करेंगे उतनी बारी कॉल होगा, फिर दे डिफरेंट व्हाट आईडीज। तो अब मैं यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर 3000 पर, मुझे क्या मिलना चाहिए, वेलकम टू Node.js, फिलहाल मिलेगा नहीं, लेकिन एक चीज आपको दिखाई देगी ऊपर एड्रेस बार पे, आईपी बार, सर्वर रिवॉल्विंग लोडिंग, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, सर्वर ने
मतलब एक तरह से मैं आपसे बात कर रहा था, बीच में एक मिनट का साइलेंस हो गया, तो फोन काट रहे क्या बात करनी है, हमने कहा शायद करनी है क्योंकि हम सोच रहे थे काटा तो कब जाएगा जब हम क्या कहेंगे एक सिग्नल देते हैं टाइम दैट इज व्हाट कि फोन कट कर रहे हो। तो अब वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा डेटा मिलेगा लेकिन टर्मिनेटिंग सिग्नल अभी भी नहीं आया, तो क्या और डेटा आना है कि वेट करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या कर रहा है फिलहाल वेट कर रहा। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमने ब्राउजर ने रिक्वेस्ट सर्वर को की, सर्वर ने कुछ डेटा भेजा, उसके बाद वो चुप। अपना सर्वर ने बताया कि और भेजेगा, या सर्वर ने कहा कि नहीं भैया डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया। तो ब्राउजर क्या कर रहा है वेट कर रहा है कि शायद और डेटा आना है। इसीलिए हम नॉर्मली क्या डिफाइन करते हैं सर्वर डॉट राइट के बाद जब आपका डेटा खत्म हो जाए हम क्या देते हैं एंड। तो हमने कहा रिस्पॉन्स को भेजो वेलकम टू नोड जेएस सर्वर और रिस्पॉन्स को क्या कर दो एंड कर दो, मतलब ब्राउजर को बता दो इतने देखना और नहीं भेज रहे फिलहाल। मुझे अपने सर्वर को बार बार ध्यान रखना ये वेब सर्वर है, आपने वेब सर्वर में कुछ चेंजेस किए हैं तो मुझे उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कोड को फिर से रोकना है और दोबारा स्टार्ट करना है सर्वर। दोबारा स्टार्ट करूंगा तो नया कोड रिफ्लेक्टेड आएगा, आई कैन सी 3000 पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ब्राउजर ने ब्राउजर को, सर्वर ने ब्राउजर को क्या भेज दिया वेलकम टू नोड। तो मतलब हमारे उस नोड जेएस के सर्वर ने ब्राउजर से पोर्ट नंबर 3000 पे रिक्वेस्ट को रिसीव किया और कुछ प्रोसेसिंग करके अपना क्या रिस्पॉन्स भेज दिया। अब चाहे दो टैब से ओपन कर लो चाहे तीन टैब से ओपन कर लो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट का अलग से क्या कॉल होगा रिक्वेस्ट एंड व्हाट रिस्पांस मेथड, दो ऑब्जेक्ट्स कौन प्रिपेयर कर रहा है सर्वर प्रिपेयर करके आपके फंक्शन को दे देगा, सर्वर प्रिपेयर करके आपके इस फंक्शन को दे देगा। देखो अभी तो फिलहाल हमने सॉकेट रोक ही दिया, सॉकेट का मतलब ये था सॉकेट है क्या बेसिकली, जैसे आपने नोटपैड पे एक स्क्रीन खोली है और आपने दो नोटपैड पे स्क्रीन ओपन कर दी, दो खुली हुई, लेकिन जब मैं कीबोर्ड से जो टाइप करूंगा वो इसी के पास जाता है, ये कंप्यूटर को कैसे पता लगा? हर सॉफ्टवेयर विंडो, हर विंडो आई विल नॉट से कि नोटपैड, हर विंडो जब स्क्रीन पे खुलती है ना उसका एक पोर्ट नंबर असाइन होता है, ऐसी वर्चुअल पोर्ट। जैसे नोटपैड खुला तो मैंने ऐसी रैंडमली दे दिया भाई तेरा पोर्ट नंबर क्या है 10 है, दूसरी विंडो खुली उसको कह दिया आपका पोर्ट नंबर क्या है 11 है, 10 एंड 11। अब सामने कौन सी खुली हुई है विंडो 10, तो एक्टिव पोर्ट कौन सा है 10 है। कीबोर्ड से जो भी टाइप करोगे आप वो कहाँ जाएगा मेमोरी पे जाएगा। अब एक्टिव पोर्ट कौन है 10 है, सिर्फ वही से रिसीव करें बाकी सब इग्नोर करें। फिर वह चैट विंडो हम खोलते हैं, चार पांच चैट खुल जाती है, कोई बंदा मैसेज भेजे तो चारों में थोड़ी ना चला जाएगा, जिसने भेजा उसी में जाएगा ना क्योंकि पोर्ट नंबर डिफाइन था। हर विंडो आपके स्क्रीन के ऊपर जो आती है उसका क्या है एक पोर्ट नंबर। अब क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट आई डेटा भी आएगा वहां से, तो हमने कहा डेटा मेमोरी पे रखो क्या बना दो मेरे साथ मेरे पास उस सॉकेट उस डेटा का क्या बना दो कनेक्शन बना कि मैं उस मेमोरी से डेटा कैसे रिसीव करूंगा, बिकॉज कि मेमोरी में डेटा नहीं भैया कहाँ है पोर्ट पे डेटा है, तो पोर्ट से मेरे लिए क्या बना दो सॉकेट कनेक्शन बना दो ताकि मैं पोर्ट से डेटा सेंड भी कर सकूं और पोर्ट पे डेटा क्या रिसीव भी कर सकूं। व्हाट इज सॉकेट इज अ कनेक्शन टू व्हाट पोर्ट एंड व्हाट इज पोर्ट बेसिकली वर्चुअल इट इज हर जितनी बारी विंडो खुल रही है नोटपैड का कोई फिक्स सॉकेट नहीं है पोर्ट नहीं है, जब विंडो खुलेगी जो अवेलेबल फ्री पोर्ट होता है उसको दे दिया जाता है कि आपका पोर्ट नंबर 7 है आपका 40 है, जो एक्टिव होगा विंडोज का पोर्ट मेंटेन करेगा। इस समय एक्टिव ये नोटपैड है या इस समय ये एक्टिव बिजनेस स्टूडियो की कोड विंडो है तो दैट इज अ पोर्ट नंबर है। कीबोर्ड से जो डेटा आएगा मेमोरी पे डाल दो और अवेलेबल सिर्फ किसको दो एक्टिव पोर्ट को दो, सिर्फ एक्टिव पोर्ट ही से रिसीव करेगा और कोई नहीं करेगा। पोर्ट चेंज हो जाएगा तो जो डेटा आ रहा है वो तो मेमोरी पे आ रहा है लेकिन रिसीव कोई और पोर्ट करेगा। तो अभी तो फिलहाल इसने मुझे सॉकेट कनेक्शन बना के दे दिया था कि सॉकेट बना दिया, अब आप देख लो कैसे डेटा आपने रिसीव कर रिक्वेस्ट रिसीव कैसे करनी है रिस्पॉन्स रिसीव कैसे करनी है। तो कॉम्प्लेक्स था इसीलिए उसने कहा कि कॉम्प्लेक्स होगा भी आपके लिए हैंडल करना, इसीलिए उसने आपको कहा कि ये करने की जरूरत नहीं आपको, आप फिलहाल सिर्फ इतना डिफाइन कर दो कि
क्रिएट सर्वर पैरामीटर में क्या रिसीव करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन। चलो पहले इसी में हमने सिंपल टेक्स्ट भेजा, टेक्स्ट एज इट इज चलाई गया। अच्छा तो मैं कंटेंट को बोल्ड कर रहा हूं, ठीक बोल्ड कर दी। अब मेरा कंटेंट सर्वर के पास क्या जाना चाहिए, बोल्ड में जाना चाहिए। तो रिक्वेस्ट आई, सर्वर बोल्ड हुआ, आई हुआ। डिफॉल्ट कंटेंट का टाइप, डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, टेक्स्ट। अब मुझे उसको बताना है कि जो मैं सबमिट करने जा रहा हूं वो टेक्स्ट नहीं है, द टेक्स्ट और क्या हो सकता है। अब इसको बताने के लिए रिस्पांस के पास ऑप्शन है डिफाइन, तो रिस्पांस के पास ऑप्शन है कॉल्ड सेट हेडर। मतलब देखो नॉर्मली आप चेक करते हो कि कई बार हमने किसी फाइल पे क्लिक किया तो वो फाइल क्या होती है, डाउनलोड हो जाती है। और कई बार हम फाइल किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली वो लिंक क्या होता है, ओपन होता है। तो ये बेसिकली कैसे पता लगा ब्राउजर को कि एक हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो ये लिंक ओपन करना है या ये तो कोई फाइल है डाउनलोड करनी है। ये पीछे से जब रिस्पांस मिला ना, यानी मैं जब आपको रिस्पांस भेज रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको टेक्स्ट नहीं भेज रहा, एचटीएमएल नहीं भेज रहा, क्या भेज रहा हूँ, फाइल भेज रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए क्या बताना पड़ता है, कंटेंट टाइप, दैट इज कि किस टाइप का डेटा हम सेंड कर रहे हैं, ब्राउजर को ये बताना पड़ता है। फिलहाल डिफॉल्ट रिस्पॉन्स टाइप कंटेंट क्या था, टेक्स्ट। तो मुझे एचटीएमएल भेजना है तो मैं उसे बताऊंगा कंटेंट हाइफन टाइप, ये मेरे कंटेंट का टाइप क्या होगा, दैट इज टेक्स्ट स्लैश व्हाट एचटीएमएल। तो रिस्पांस पे डेटा राइट करने से पहले सर्वर ब्राउजर को बता रहा है पहले से कि जो डेटा आने वाला है वो क्या है, कैन बी अ टेक्स्ट और व्हाट एन एचटीएमएल। तो ब्राउजर जब इस डेटा को रिसीव करेगा उसे पता होगा कि कंटेंट टाइप टेक्स्ट और एचटीएमएल हो सकता है, मतलब इस कोड को रेंडर करके ही प्रिंट कर रहा है, डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है। कहते कि वो कोड को क्या करेगा, रेंडर कर रहा है। रेंडर मतलब एचटीएमएल टैग जो आपने दिए, टी बी राइट नहीं कर रहा, टी के कॉरेस्पॉन्डिंग कंटेंट क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है। क्लियर है, आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे आएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में है वो। अब चलो यहां पर आते हैं, हमने सर्वर बना दिया, सर्वर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम, और रिक्वेस्ट भेजने पे क्या है, वेलकम टू Node.js। आप देखो रिक्वेस्ट जब आप कोई साइट भी ओपन करते हो तो हर साइट में क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं। मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं तो एग्जैक्टली कोई और लिंक ओपन होगा, ये वन ओपन। इसका मतलब आपकी वेबसाइट के आगे भी क्या लिंक्स होते ही हैं, बट ऑब्वियसली तो लेट्स से कि मैंने यहां पर लगाया about.html खोलना, आपने बना रखी है कोई ऐसी फाइल, नहीं बना रखी, तो फिलहाल आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा वेलकम टू Node.js, क्योंकि अभी तक तो हमने उसको यही बोला हुआ है हर रिक्वेस्ट पे रिस्पांस पे राइट क्या करनी है, वेलकम टू Node.js। तो about.html या कुछ भी लिख दो, अभी तो हमने उसको सिर्फ इतना ही कह रखा है अपने सर्वर को कि सर्वर पे रिक्वेस्ट आई है जहां से मर्जी आई हो, आपने क्या भेजना है, वेलकम टू Node.js में, ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हो कि भैया अलग अलग रिक्वेस्ट पे अलग अलग डेटा क्या है हमें सबमिट करना हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। अब वो कैसे करेंगे, जब रिक्वेस्ट आती है ना, रिक्वेस्ट आई है तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को आपके सर्वर ने प्रिपेयर कर दिया, मतलब आपसे जब मैंने रिक्वेस्ट रिसीव की तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉल्ड रिक्वेस्ट, सारा डेटा अच्छे अच्छे वेरिएबल्स में रख दिया ताकि आपको डेटा किससे मिल जाए, वेरिएबल से इजीली क्या एक्सेस हो जाए। उसने आपको बहुत सारे दिए वेरिएबल्स, इसमें एक वेरिएबल है कॉल्ड URL, URL ये आपको बताएगा रिक्वेस्ट किस URL के लिए आई, मतलब लोकल होस्ट या स्लैश about.html या स्लैश contact.html, किस URL के लिए रिक्वेस्ट आई थी वो ये बताएगा, राइट। सो नाउ आई कैन सी दैट, मैं इस कोड को रन कर रहा हूं दोबारा स्टॉप करके, और वैसे ये सर्वर को बार बार स्टॉप करना पड़ेगा, हालांकि एक प्रोसेस, एक पैकेज, एक मॉड्यूल है जिसे अगर आप इंस्टॉल कर लो, कैसे करते हैं, npm install hyphen i and nodemonad nodemon, ये एक नया सॉफ्टवेयर आपके इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेगा। और नोड मोन बेसिकली क्या है,
ये अपने आप सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा जब भी सर्वर में कुछ क्या होंगे, चेंजेस होंगे। आपको बार बार अपना प्रोग्राम स्टॉप करके रन करने की क्या जरूरत नहीं है। पहले करो आप नोड मोन, नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम को रन नोड मोन से करूंगा, नोड मोन सर्वर डॉट जेएस। सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है, सर्वर स्टार्टेड है। अब मैं कुछ भी चेंज करूंगा ना, तो मुझे बार बार सर्वर स्टार्ट और स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कुछ भी चेंज करूंगा, आपको देखना स्टार्टिंग नोड जेएस आ रहा है। मैंने कुछ भी चेंज किया और सेव कर दिया, वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा है। तो मुझे बार बार कंट्रोल सी से रोकने की जरूरत नहीं है, बार बार उसे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, एरर्स आएंगे, हमने कहा एक बार ही नोड मोन से सर्वर स्टार्ट कर दिया है, जितने भी चेंजेस होंगे वो अपने आप करता रहेगा तब तक मैं खुद उसे स्टॉप नहीं करता। कमांड आपकी क्या थी, npm, that is called node package manager। नोड पैकेज मैनेजर से हम इंस्टॉल करेंगे एक पैकेज, हाई इंस्टॉल कर रहे हैं पैकेज कॉल्ड नोड मोन, और हाइफन जी दे देना ग्लोबल, सो दैट कि वो पूरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो, ताकि हर प्रोजेक्ट के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखो क्या प्रिंट करवाया, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल प्रिंट करवा के देखनी चाहिए। तो मैंने ये देखना चाहा कि भाई जो रिक्वेस्ट आती है उसमें क्या आता है, स्लैश अबाउट, रिस्पॉन्स तो यही आ रहा है, हमने यही दिया था, बट एक्चुअली यूआरएल में क्या आ रहा है, स्लैश अबाउट डॉट क्या है, एचटीएमएल। आप दूसरा कोई भी फाइल भेजते हो स्लैश कॉन्टैक्ट अस डॉट एचटीएमएल, तो रिक्वेस्ट किसकी आ रही है, स्लैश कॉन्टैक्ट अस डॉट क्या है, एचटीएमएल की आ रही है। मतलब किस यूआरएल पे हिट किया गया, आपको उस यूआरएल का एड्रेस मिल रहा है। एडिशनली आपको एक और भी नीचे दिख रहा होगा टैब आइकन, टैब आइकन क्या होता है पड़ा होगा ना, राइट, फेवरेट आइकन जो एग्जैक्टली यहां पर आता है, ये आइकन। तो नॉर्मली वो रिक्वेस्ट भेजता है एक फैब आइकन डॉट आईसीओ, आईसीओ स्टैंड फॉर आइकन फाइल्स है, आइकन के लिए। वो अलग बात है फिलहाल उसे रिसीव करने वाला कोई नहीं है, इग्नोर करते हैं इसे। फिलहाल हमने रिक्वेस्ट किसकी भेजी, अबाउट की भेजी और कॉन्टैक्ट अस की भेजी। अब आप ये देखो, अगर मैं कोई यूआरएल नहीं देता, सिर्फ 3000 लिखता हूं, तो रिक्वेस्ट में यूआरएल क्या है, स्लैश है। होम पेज आपका कौन सा है, स्लैश का है, क्लियर है। हाँ जी, यूआरएल आपने जब किसी ब्राउजर पे रिक्वेस्ट भेजी पोर्ट 3000, आपने साथ में कहा कि एक पेज खोलना यार अबाउट अस वाला, आपका ये वाला पेज नहीं खोलना, अबाउट अस वाला खोलना, तो आपने रिक्वेस्ट कौन सी भेजी, अबाउट ऑन एचटीएमएल। सर्वर ने कहा रिक्वेस्ट आई मेरे पास, तो रिक्वेस्ट के यूआरएल में क्या पड़ा है, किस यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट आई, अब ये काम नहीं कर, काम करना। हमारे तीन पेजेस में वैसे ही ले रहा हूं अभी, तो सभी केसेस में देखो क्या आ रहा है, अबाउट के केस में भी वेलकम टू नोड जेएस, जो मर्जी पेज खोलो आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, एबीसी कुछ भी, हमेशा आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हम लोग क्या रखते हैं, सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स पे राइट कर देना वेलकम टू नोड जेएस। अब आप अलग अलग इसे हैंडल करोगे, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में एग्जैक्टली रिक्वेस्ट आई है, तो अब मैं यहाँ पर बताऊंगा उसे क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, सिंपल रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इफ लगाया मैंने, अगर इक्वल टू क्या आता है, स्लैश है, मतलब ये कौन सा है, होम पेज है, होम पेज है, तो हमने कहा हेडर चाहे एक ही बारी सेट कर दूं ऊपर, हेडर एक बारी में सेट कर दिया ऊपर, लेकिन रिस्पॉन्स रखता है वो चेंज करना। तो हमने सिंपली कहा अगर रिक्वेस्ट की यूआरएल स्लैश है तो यही वाला मैसेज दे दो, वेलकम टू व्हाट नोड जेएस, ठीक है। और हमने ऐसे अलग अलग लगाए, एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल यूआरएल इक्वल टू क्या है, स्लैश अबाउट डॉट एचटीएमएल, अगर ऐसे पेज की रिक्वेस्ट आती है तो आप भी आउटपुट में क्या भेज देना, वेलकम टू अबाउट अस पेज, ताकि कंटेंट क्या हो, डिफरेंट आ जाए। हमने सिर्फ इतना ही कह रहे हैं उसको कि रिक्वेस्ट के यूआरएल को चेक करो और उसके बेसिस पर कंटेंट क्या है सबमिट करो, कि रिक्वेस्ट का यूआरएल अगर स्लैश है तो रिस्पांस पर राइट करो वेलकम टू नोड जेएस, अगर रिक्वेस्ट के यूआरएल में अबाउट डॉट एचटीएमएल खोला है तो लिख दो क्या, वेलकम टू अबाउट, ठीक है।
बल्कि सिर्फ एक एरर देखना इसमें क्या है। नोड मोन तो लगा हुआ है, सर्वर ऑलरेडी रीस्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ किसके लिए, रूट के लिए, मतलब होम पेज के लिए। वेलकम टू नोड जेएस आ गया, होम पेज के लिए थी रिक्वेस्ट, आ गया। फिर दूसरा पेज खोलते हैं, about.html, अबाउट अस पेज भी आ गया। सारे पेजेस इस तरह से बन जाएंगे ना। अब लास्ट में हम एक और else लगा के क्या डालेंगे, response.add। अगर response किसी unknown पेज के लिए आती है तो बंद कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर ये else ना लिखा होता और मैं request submit कर रहा हूँ ABC पेज के ऊपर, ये तो है ही नहीं, तो वो घूमता रहेगा। तो हमने उसे कहा if request.url equal to slash तो होम पेज भेज दो, about.html तो अबाउट अस पेज भेज दो, इसके अलावा भैया पेज हमारे पास है ही नहीं, तो रिस्पॉन्स को यहीं पे क्या कर दो, एंड कर दो। आउटपुट एबीसी मूव नहीं कर रहा, एंड हो गया, रिस्पॉन्स नहीं है इसका। बाकी सभी पेजेस पे हमने क्या बनाया, about.html कंटेंट आ रहा है, इससे स्लैश रूट पे वो भी कंटेंट आ रहा है। तो अलग अलग यूआरएल पे हमने अलग अलग आउटपुट क्या है डिस्प्ले कर दिया, और उसके लिए सिर्फ क्या लगाया, if else ही लगाया।